मीरपुर आजाद कश्मीर में हालात बदसतूर कशीदा हैं। हकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के माबैन होने वाले मुजाकरात की नाकामी के बाद धीर कोर्ट से काफले मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गए। आज आजाद कश्मीर में एहतजाज का पांचवा और शटर डाउन का चौथा रोज है। हकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुजाकरात में डेडलॉक बरकरार है। एक्शन कमेटी ने बिजली की फीस यूनिट कीमत में 50% कमी मुस्तरद कर दी। कमेटी पैदावारी लागत पर बिजली की फरहमी पर इसरार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजाद कश्मीर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी होने का इम्कान है। एआरवाई न्यूज के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ड्रॉट का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता 12 रोज के दौरान खाम तेल की कीमत आलमी सतह पर कम होकर 82.5 डॉलर फी बैरल तक आ गई है। आलमी सतह पर पेट्रोल मसनूआत में कीमतों में कमी के बाद ज़राए ने 16 मई से पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान जाहिर किया। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के तर्जमान रऊफ हसन ने राना सनाला की ग्रैंड डायलॉग की पेशकश मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि बातचीत उन्हीं से होगी जो ताकत का मनबा है। रऊफ हसन ने कहा कि जिनसे बातचीत करना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई इनकार नहीं, इनकार इकरार में बदलते हैं, बिल्कुल बदलेगा। इस्लामाबाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला कानून के बालादस्ती नहीं बल्कि कुछ लोग कानून के बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ों को दबा देना चाहते हैं। हाफिज नईमुल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फार्म 47 की हुकूमतें पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान को आवाम पर जबरी मुसल्लत कर दिया है।